गिरफ्तारी को लेकर पाकिस्तान की सियासत में एक महीने से हलचल मचा हुआ था। इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्ष ने जबरदस्त लामबंदी की थी। लगभग तय हो चुका था कि इमरान खान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा और उनकी सरकार संसद में बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। लेकिन इमरान खान क्रिकेटर से पॉलिटिशियन बने हैं, वो जानते हैं कि आखिरी मौके पर मैच कैसे पलटा जाता है। उन्होंने ऐसा दांव चला कि विपक्ष चारों खाने चित हो गया, ना रहा बास ना रही बांसुरी, यानी अविश्वास प्रस्ताव ही खारिज हो गया और इमरान की सरकार बच गई। दरअसल रविवार को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना था, लेकिन एक बड़े सियासी ड्रामे ने एंट्री मारी और असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने अनुच्छेद 5 के तहत विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया। अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के पीछे डिप्टी स्पीकर ने विदेशी साजिश का हवाला दिया। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि विदेशी ताकत पाकिस्तान में साजिश के तहत सरकार गिराना चाहती है और इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया जाता है। डिप्टी स्पीकर के फैसले से इमरान खान को जावेद मियादाद का वो छक्का याद आ गया होगा जो उन्होंने भारत के खिलाफ शारजाह में लगाकर पाकिस्तान को जीत दिलाई थी, लेकिन वो क्रिकेट का मैच था, 50 ओवर के बाद खत्म हो गया। यहां से पाकिस्तान की संसद में दूसरा सियासी मैच शुरू हो गया। फैसले के विरोध में विपक्ष ने हल्ला बोल दिया, संसद पर विपक्ष ने कब्जा कर लिया और शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री भी चुन लिया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्षी दलों ने सत्र चलाकर देश को ये संदेश दिया कि इमरान की सरकार तो गई। यहां आपको बता दें कि शहबाज शरीफ आखिर है कौन, जिसमें विपक्ष को रब भी दिख रहा है और मुल्क का वजीर आजम भी। दरअसल शहबाज शरीफ पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई और पाकिस्तान नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता हैं। शहबाज 1988 में पंजाब प्रांतीय विधानसभा के लिए चुने गए हैं और 1990 में नेशनल असेंबली के लिए चुने गए थे। पहली बार वो 1997 में मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। साल 1999 में हुए सैन्य तख्ता पलट के बाद शहबाज अपने परिवार के साथ सऊदी अरब में छिपकर कई साल रहे, फिर 2007 में दोबारा पाकिस्तान लौटे। 2008 के आम चुनावों में प्रांत में PMLN की जीत के बाद उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए पंजाब का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। वो 2013 में तीसरी बार पंजाब के CM के रूप में चुने गए और 2018 के आम चुनावों में अपनी पार्टी की हार होने तक अपना कार्यकाल पूरा किया। उनके भाई नवाज शरीफ को पद से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद उन्हें PMLN का अध्यक्ष बनाया गया था। साल 2018 के चुनावों के बाद उन्हें पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया गया था। इससे पहले विपक्षी पार्टियों ने संसद के स्पीकर असद कैसर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। विपक्षी पार्टियों का कहना था कि कैसर निष्पक्ष होकर कार्यवाही नहीं कर रहे। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। PMLN और PPP ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन किया है। इसके तुरंत बाद इमरान की सिफारिश पर राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। अब पाकिस्तान में अगले 90 दिनों के अंदर आम चुनाव कराए जाएंगे। इमरान तब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद इमरान ने देश को संबोधित करते हुए कहा, मुल्क के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की जा रही थी, वो साजिश आज फेल हो गई है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम को कहता हूं कि वो चुनाव की तैयारी करें, हम इंसाफ के लिए आवाम के बीच जाएंगे। पूरे घटनाक्रम पर पाकिस्तानी सेना ने कहा कि आज जो हुआ वो एक राजनीतिक प्रक्रिया है और उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली भंग करने के मामले में खुद नोटिस लेकर एक स्पेशल बेंच बनाई है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने इमरान को पागल और जुनूनी बताते हुए कहा कि अगर इमरान को सजा नहीं मिली तो जंगल राज आएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने इमरान खान पर संविधान को तोड़ने का आरोप लगाया है। अब सबकी नजर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। जब सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल बेंच इस मामले में सुनवाई कर अपना फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के मामले की जांच के लिए स्पेशल बेंच का गठन किया है।